हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और घर पर मार्केट से भी अच्छी आप कुल्फ़ी बना सकते हैं। मैं आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप 5 मिनट में अपनी दूध को गाढ़ी कर सकते हैं और आपकी कुल्फ़ी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध ली हूँ। दूध घर का ही है, आप चाहे तो भैंस का या पैकेट वाला भी दूध ले सकते हैं, लेकिन हमारे घर में जो रेगुलर दूध आता है मैं उसी दूध से कुल्फ़ी बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन को चढ़ा दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि जब मैं दूध को उबालूँ तो ये तरे पर चिपके ना। अब सारे दूध को हम इसमें डाल देंगे। दूध हमारा पहले से ही उबला हुआ है। अब गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं और तेज़ आंच पर दूध को उबलने देते हैं। जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक मैंने यहाँ पर एक बाउल पर 6 से 7 बादाम को दूध में फूलने के लिए डाल दिया था। आप चाहें तो बादाम को पानी में भी भिगो सकते हैं, लेकिन मैंने दूध में ही डाल दिया है। बादाम के जो ऊपर के छिलके हैं थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, उसे हम हल्का हल्का इस तरह से खरोच कर सारे छिलके को निकाल देंगे। तो देख सकते हैं एक बादाम को मैंने इस तरह से छील लिया है। उसी तरह से जितने भी बादाम लिए हैं सभी को हम छीलकर एक प्लेट में रख लेते हैं। इधर हमारे दूध में जो है उबाल आ गया है। साइड साइड की जो मलाई है उसे हम बीच में कर देंगे। अब जिस दूध में मैंने बादाम को फूलने डाला था उसी दूध में हम थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे। इससे कुल्फ़ी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ मैं 3 हरी इलायची ली हूँ, इसे हम इस तरह से कूट कर डाल देंगे। हरी इलायची से भी इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे एक बार हम फिर से चला लेते हैं। इधर जो मैंने बादाम को छील कर रखा था उसे हम इस तरह से खल में लेंगे और इसमें 1 चम्मच चीनी डालकर इसे हम कूट लेते हैं। इसे हम थोड़ा दरदरा क्रश कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसे मैंने क्रश कर लिया है। अब इसे भी हम दूध में डाल देंगे और एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैं यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली हूँ, उसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चीनी को हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इधर जो मैंने कटोरी में केसर को डाला था तो देख सकते हैं इसमें एक अच्छा सा कलर आ गया है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको मैं टिप्स बताने वाली थी कि दूध को 5 मिनट में किस तरह से गाढ़ा और राबड़ी दर बनाए, तो उसके लिए मैं यहाँ 2 पीस ब्रेड के स्लाइस ली हूँ। तो सबसे पहले ब्रेड के स्लाइस के जो साइड के हल्के हल्के किनारे हैं उसे हम काट कर निकाल देंगे। एक बार इसे डाल कर देखिएगा, दूध आपका फटाफट से गाढ़ा हो जाएगा और एकदम लच्छेदार मलाई जैसे हो जाएंगे। तो देखिए साइड के किनारे को काट लिए हैं। अब इसे हमें ना पीसने की जरूरत है ना ही तोड़ने का। इसे हम सीधा डायरेक्ट दूध में इसी तरह से डाल देंगे और इसे हम हल्का हल्का दबा देते हैं। ब्रेड इतने सॉफ्ट होते हैं कि दूध में जाते के साथ ही ये टूट जाएंगे और देखिएगा आपका दूध कितना गाढ़ा हो जाए। भले आपका दूध पानी जैसा पतला ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये बहुत ही गाढ़े हो जाते हैं। एक बार इसे जरूर से बनाकर देखिएगा। तो देख सकते हैं ब्रेड डालते ही दूध हमारा कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को एकदम कम कर देंगे। इधर मैंने 15 से 20 काजू और थोड़े से पिस्ते लिए हैं, तो इसे हम थोड़ा क्रश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम काजू को क्रश करके निकाल लेते हैं। तो काजू को मैंने क्रश कर लिया है, उसी में हम पिस्ता को भी क्रश कर लेंगे। तो दोनों को मैंने क्रश कर लिया है। अब दूध में हम थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तो दूध हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब एक मिक्सर जार लेंगे और सारे दूध को हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच भरकर दूध का मलाई डालेंगे। यह हमारा घर का ही मलाई है, इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे हम एक बार पीस लेते हैं। तो मैंने इसे एक बार पीस लिया है और देख सकते हैं कितने क्रीमी क्रीमी हो गए हैं। एक बार इस तरह से कुल्फी बनाकर देखिएगा, कुल्फी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब जो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे उसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा बनकर तैयार है। अब इसे जमाने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा मटका ली हूँ, उसमें हम इसमें डाल देंगे। इसे अभी हम एक साइड में रखते हैं। इधर मैंने आइसक्रीम जमाने वाला साँचा लिया है, उसमें हम भर देंगे।
तो देख सकते हैं मैंने सारे में थोड़े थोड़े डाल दिए हैं। जिसके पास में ये सभी चीज़ें ना हो वो सिंपल इसे ग्लास में भी जमा सकते हैं। तो मेरे पास में थोड़े से बच गए थे तो मैं इस तरह से एक स्टील का ग्लास ली हूँ और उसमें हम इसमें डाल देंगे। तो देख सकते हैं सभी को मैंने भरकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर लिया है तो सबसे पहले हम फॉइल पेपर से मटके को कवर कर देंगे। गिलास में जो रखे थे उसमें भी हम फॉइल पेपर लगा के इसे कवर कर लेते हैं। अब जो मैंने सांचे में डाले हैं उसमें भी फॉइल पेपर लगाएंगे और इसे हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। अब चाकू लेंगे और चाकू से हम सभी में हल्का हल्का कट लगाएंगे और इस तरह से जो आइसक्रीम की स्टिक है उसे हम घुसा देंगे। तो देख सकते हैं ये सभी हमारा बनकर तैयार है। अब इसे हम फ्रीजर में 8 से 10 घंटे के लिए जमाएंगे या आप पूरी रात के लिए भी इसे फ्रीजर में रख सकते हैं। तो चलिए इसे हम फ्रीजर में रख देते हैं। तो 8 से 10 घंटे इसे मैंने फ्रीजर में जमा लिया है। अब इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसे हम पानी में हल्का सा घुसाएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे। इसे हम थोड़ी देर पानी में इस तरह से रखेंगे और इसे हम निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है कि आइसक्रीम बहुत जल्दी निकल जाती है। तो देख सकते हैं कुल्फी हमारी बहुत अच्छे से जम गई है। इसे हम एक प्लेट में रखते हैं। तो देख सकते हैं सांचे वाली भी कुल्फी कितनी सुंदर जमकर तैयार हुई है। इसे हम इस तरह से निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं। जो मैंने ग्लास में जमाए थे उसके बीच में हम इस तरह से चाकू घुसाएंगे और इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कितनी टेस्टी कुल्फी हमारी बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मार्केट से भी कहीं ज़्यादा अच्छे। आप बच्चों को इस तरह से घर पर आराम से बनाकर खिला सकते हैं और बच्चे को बहुत ही पसंद आएंगे। आपने देखा ही दूध को गाढ़ा करने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा और यह झट से बनकर तैयार भी हो गया है। यदि आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा।